हे एवरीवन, वेलकम। आज हम बनाएंगे साउथ कोरियन डिश किमची और किमची फ्राइड राइस। किमची जो है वो एक कैबेज पिकल होता है जो कोरिया में हर चीज़ के साथ सर्व करते हैं। ये एक फर्मेंटेड साइड डिश होती है जो कुछ सब्जियों को मिलाकर बनाई जाती है। वैसे तो ये नॉन वेजिटेरियन होती है क्योंकि इसमें फिश सॉस यूज किया जाता है, पर हमारी किमची वेज होगी बिल्कुल देसी स्टाइल में। क्योंकि अपने यहाँ कोरियन इंग्रेडिएंट अभी तक अवेलेबल नहीं है तो हम इसे एक देसी तड़का देंगे और सारे इंग्रेडिएंट आपको इजीली मिल भी जाएंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हमारी वेज किमची। किमची बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए चिली पेस्ट। उसके लिए हम सूखी लाल मिर्च को थोड़ी देर के लिए पानी में भिगोकर रख देंगे और उसके बाद यूज़ करेंगे। फिर हम एक पैन में पानी के साथ ही डालकर इसे पकाएंगे। आपके पास अगर वो बड़ी नॉन स्पाइसी वाली सूखी लाल मिर्च है तो वो यूज़ करें, वो बेटर रिजल्ट देंगी, उनसे कलर भी बिल्कुल रेड आएगा। लेकिन मेरे पास ये छोटी थी तो ये यूज़ कर रही हूँ। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे 7 से 8 कलियाँ लहसुन की और थोड़ी सी अदरक, और अब इनको बॉयल कर लेंगे। तब तक हम अपनी सब्जियों को काट लेते हैं। इनमें जो ये मेन सब्जी है वो है ये पत्ता गोभी। अगर आपको ये चाइनीज़ पत्ता गोभी या जिसे नापा कैबेज भी बोलते हैं मिले तो वो यूज़ करें, नहीं तो हमारी जो ये रेगुलर पत्ता गोभी है वो भी यूज़ कर सकते हैं। साथ में हम लेंगे एक मूली, उसके पत्ते भी साथ में यूज़ करेंगे। एक गाजर लेंगे, 2 से 3 हरे प्याज और एक खीरा लेंगे, और अब इनको कट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम पत्ता गोभी को कट करेंगे। हम इनको बिल्कुल बारीक बारीक काट लेंगे। वैसे तो नॉर्मली किमची में बड़े बड़े चंक्स होते हैं, पर हम इंस्टेंट बना रहे हैं, मतलब जल्दी बन जाए, तो हम इनको बारीक कट करेंगे। इस रेसिपी में जो मेन काम है वो बस इन सब्जियों को कट करना ही है। एक बार अपनी ये सब्जियाँ कट जाए फिर ये फटाफट से बन जाएगी। जिनको ये सब्जियाँ पसंद नहीं, ट्रस्ट मी, ये किमची बन जाएगी तब आपको बहुत पसंद आएगी। तो आप एक बार ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। तो इस तरीके से मूली के भी हम छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। मूली के पत्ते भी हम साथ में कट करेंगे, ये भी एक फ्लेवर ऐड करेंगे हमारी किमची में। खीरा हम बिना छीले ही यूज़ कर रहे हैं। खीरा नॉर्मली कैबेज किमची में नहीं डालते, लेकिन खीरे की भी किमची बनती है। अपने पास था तो सोचा ये भी कैबेज किमची में डाल लेते हैं। तो इसे भी बिल्कुल बारीक कट करके हम यूज़ करेंगे। और जो लास्ट में बचा है वो है स्प्रिंग अनियन, यानी कि हरा प्याज, उसे भी काट लेंगे। सारी सब्जियां कट गई हैं, अब इनको एक ही बर्तन में डाल लेते हैं। फिर हम इसमें डालेंगे नमक। नमक हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इन्हें 30-40 मिनट्स के लिए रख देंगे ताकि नमक से सब्जियों का पानी निकले। तब तक मिर्च का पानी भी सारा ख़त्म हो गया है। अब गैस का फ्लेम ऑफ करके इनको ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद हमें इन्हें पीसना है। ठंडा होने के बाद हम इसे जार में डालेंगे और साथ में ही हम इसमें ऐड करेंगे 3/4 कप विनेगर। ये एज ए प्रिजर्वेटिव काम करेगा, हमारी किमची को ख़राब नहीं होने देगा। फिर ऐड करेंगे 3/4 कप टोमेटो केचप। नॉर्मली किमची में फिश सॉस डालते हैं, पर हम इसे प्योर वेज बना रहे हैं तो केचप डालेंगे। फिर हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून सोया सॉस और 1 टेबलस्पून शुगर, और फिर ढक्कन लगाकर हम इनको पीस लेंगे। तो ये हमारी चिली पेस्ट रेडी है। और अब हम बनाते हैं स्लरी, यानी कि चावल का घोल बनाएंगे। इसके लिए हम 1 कप पानी लेंगे और उसमें 3 चम्मच चावल का आटा डालेंगे, और अब इनको मिक्स करेंगे और इसे पकाएंगे 2 मिनट तक धीरे धीरे। ये बस 1 से 2 बॉयल में ही गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाएगा। स्लरी जो है वो एक बाइंडिंग का काम करेगा, किमची को बांध के रखेगा। तो देखिए 2 मिनट में ही इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी हो गई है, और ठंडा होने पर ये थोड़ा और गाढ़ा भी होगा। तो अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और अब चलते हैं हम लास्ट प्रोसेस में। तब तक सब्जियों को भी आधा घंटा हो गया है। अब हम सब्जियों को ऐसे एक छलनी में निकाल लेंगे और अच्छे से स्क्वीज करके इसका पानी निकालना है। सारा पानी अच्छे से निचोड़ निचोड़ कर निकाल लेंगे और फिर एक प्लेट में इन्हें निकालेंगे। तो इसी तरीके से हम अपनी सारी सब्जियों का पानी निकालेंगे।
तो हमने सारी सब्जियों का पानी निकाल कर इनको एक परात में डाल लिया था। अब हम इसमें जो चिल्ली पेस्ट बनाया था वो डालेंगे। साथ में ही हम इसमें ऐड करेंगे 2 से 3 चम्मच भुना हुआ तिल, जो स्लरी बनाई थी वो भी ऐड करेंगे और अब इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। और ये हमारी इंस्टेंट किमची रेडी है और अब इसी का यूज़ करके हम बनाएंगे कोरियन फ्राइड राइस। ये इंस्टेंट है तो हम इसको अभी खा सकते हैं और 1 से 2 दिन के बाद तो इसका फ्लेवर और भी बढ़ जाएगा। और ये हम बनाकर 1 महीना 2 महीना तक फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं, ख़राब नहीं होगी। फ्राइड राइस बनाने में हम ये सारी किमची यूज़ नहीं करेंगे, बस थोड़ा सा पोर्शन ही यूज़ करेंगे, क्योंकि हमने इसको बल्क में बनाया है। ये कम से कम 5 से 6 लोगों के लिए इनफ है। फ्राइड राइस बनाने के लिए हम 1 पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल गरम करेंगे और अब गर्मा गर्म तेल में हम 2 से 3 बड़े चम्मच किमची डालेंगे और अब इनको 2 मिनट तक हाई फ्लेम पर भुनेंगे। सब्जियों को पूरा नहीं पकाना है, इनको क्रंची रखना है, बस हल्का सा कच्चापन दूर करना है इनका। और 2 मिनट के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे उबले हुए चावल, साथ में हम इसमें ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ हरा प्याज और थोड़ा सा भुना हुआ तिल और इन सबको मिक्स करेंगे ताकि किमची का जो फ्लेवर है वो राइस में आ जाए। तो देखिए कितना टेम्प्टिंग लग रहा है, मैं आपको इसका क्लोजअप दिखाती हूँ। ये देखिए, इन सबको अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और इसे हल्का सा मिक्स करेंगे और अब 1 मिनट तक हाई फ्लेम पर पकाएंगे। और ये हमारी इंस्टेंट किमची फ्राइड राइस बिल्कुल रेडी है। तो चलिए गर्मा गर्म इन्हें सर्व करते हैं। तो लग रहे हैं ना बिल्कुल मज़ेदार और इनका टेस्ट भी डिफरेंट और लाजवाब होगा। तो आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जो मेरी वीडियो के नीचे लाल रंग का बटन है वो ज़रूर दबाएं और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।